गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम आपको क्लास नाइन्थ मैथ बहुपद वाले चैप्टर से एनसीईआरटी फोल्डर का एक भाग पढ़ा चुके थे। आज दूसरे भाग में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में रहेगा, उसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका लास्ट प्रश्न जो बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, वह है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। यानी इस वीडियो में या हमें आपको यह बताना है कि इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कौन कौन सा एक घाती यानी रैखिक बहुपद है। जो एक घात का होगा उसको रैखिक बहुपद, जो द्विघात का होगा उसको द्विघाती बहुपद और जो तीन घात का होगा उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स। हम आपको अभी बता दिए कि जितनी घात का होगा, और घात के बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कितने घाती व्यंजक है यह। उस व्यंजक की सबसे बड़ी घात जो होगी वही उसका घात होगा। व्यंजक में जो सबसे बड़ी घात आपको दिखेगी बहुपद की, वही जो है इसकी घात कहलाती है। यहाँ सबसे बड़ी घात आपको 2 दिख रहा है, यह जो है क्या है, द्विघाती बहुपद है। क्या है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद है। इसका दूसरा पार्ट है, इसमें x माइनस x क्यूब इसे पूछ रहा है। यह क्या है? इसमें आपको घात 3 दिख रही है, तो यह क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। क्या है? त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से आपको जो घात दिखेगी बहुपद में या रैखिक बहुपद में, सॉरी रैखिक व्यंजक में, जो व्यंजक आपको दिया जा रहा है इसमें जो घात आपको दिख रही होगी उसी के आधार पर हम बताएंगे वह कैसा पद है। इसमें सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है तो द्विघाती बहुपद हो गया, इसमें सबसे बड़ी घात 3 दिख रहा है तो त्रिघाती बहुपद हो गया। फिर इसका अगला पार्ट है, y प्लस y स्क्वायर प्लस 4। इसमें आपको घात कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। घात 2 मिल रहा है ना, तो कैसा होगा, यह द्विघाती बहुपद है। और चौथा पार्ट है इसका 1 प्लस x। क्या है चौथा पार्ट इसका, 1 प्लस x। तो x की घात आपको 1 बताया गया है। जो चर पद होता है उस चर पद की घात कितना होती है, 1 होती है। चर पद की घात 1 है, यहाँ चर पद 1 घात का है, तो यह हमारा जो है क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। यानी एक घाती बहुपद है यह, कितना है, एक घाती बहुपद है। तो एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रैखिक बहुपद। किसको, एक घात वाले को, एक घात वाले को रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। फिर इसका पांचवा पार्ट है 3t, कितना दिया है 3t। इसमें चर पद आपको दिख रहा है टी की घात कितना है, 1 है। टी की घात 1 है, तो यह भी आपका जो है क्या होगा, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। इस तरह से जितना भी आपको घात दिखेगी उतना घाती बहुपद कह देंगे। छठवें में दिया है r स्क्वायर, तो
यानी स्क्वायर हेड दो घात का है तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा, और इसका लास्ट वाला पार्ट है 7x³, तो यह जो है त्रिघाती बहुपद है। क्या है? त्रिघाती। तो प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे, पहला यहाँ लिखे हैं, दूसरा लिखे हैं, चौथा लिखे हैं, थर्ड वाला इसका पार्ट है, तीसरा इसका क्वेश्चन है y + y² + 4। तो आप इसको घात के आधार पर बता देंगे कि कैसा बहुपद है यह। पांचवा पार्ट इसका है, पांचवा 3t दिया है, कितना दिया है 3t, एक घात का है तो रैखिक बहुपद होगा। छठवा इसका है r² है, कितना है r² है, r² है तो दो घात है इसकी, यह द्विघाती बहुपद होगा। और लास्ट वाला है सातवां VII, सातवां पार्ट इसका है 7x³, तीन घात का है तो त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले एक्सरसाइज को बताते हैं, इसी वीडियो में रहेगा। हाँ तो बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2 है। इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद, निम्नलिखित पर निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। इसमें तीन पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट है आपका x = 0, पहला पार्ट कितना दिया है x = 0। दूसरा पार्ट है इसमें x = -1 और तीसरा है x = 2 दिया है, तीन भाग दिया है इसमें। और इस बहुपद का जो है इन निम्नलिखित तीनों के आधार पर जो है मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। किसका? इस बहुपद का, इन तीनों की सहायता से या इन तीनों को इस बहुपद में रख करके मान ज्ञात करना है, यानी इसमें आपको तीन आंसर मिलेगा। इस प्रश्न के लिए आपको तीन उत्तर मिलेगा। तो चलिए मान रखते हैं बहुपद आपका पहले के लिए, नंबर एक का हल जो होगा, बहुपद आपको कितना दिया है 5x - 4x² + 3, यह आपका बहुपद दिया गया है। इसमें पहला मान जो दिया गया है x = 0 रखने पर, कहां रखेंगे कि आपको जो द्विघाती रैखिक बहुपद, सॉरी द्विघाती बहुपद दिया गया है, इसमें हम लोग जो है रखेंगे, कितना रखेंगे x = 0 रखेंगे इस द्विघाती बहुपद में। तो चलिए 5 × x = 0 - 4 × 0² + 3 5 × 0 = 0 - 0² करेंगे, कितना मिलेगा 0 होगा। तो 4 × 0 यह भी 0 हो गया, प्लस 3, 0 - 0 = 0 ही आएगा, प्लस 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। आंसर कितना है इसमें? आंसर आपको उत्तर 3 मिलेगा, पहला भाग हो गया। ये दूसरे भाग को हल करते हैं,
दूसरे भाग का हल, तो बहुपद आपका यही रहेगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसमें x इज इक्वल टू आपको रखना है -1, x इज इक्वल टू -1 रखने पर, चलिए रख देते हैं 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3, इतना आपको दिख रहा है 5 मल्टीप्लाई -1 तो यह हो जाएगा -5, माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 3, आगे देखें -5 -4 मल्टीप्लाई 1 -4 आएगा प्लस 3, -5 -4 -9 होगा प्लस 3, -9 प्लस 3 इक्वल टू -6, कितना आएगा -6। तो इसी तरह से आप इसका तीसरा भाग हल करेंगे जो कि दिया गया है x इक्वल टू 2, x बराबर 2, तो इसे हल कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एक भाग देखिए भाई आप खुद से करिएगा, x बराबर 2 इस बहुपद में, जैसे पहला यहां बहुपद दिया गया था कि x बराबर 0 रखे, दूसरे में यह बहुपद दिया गया है इसमें x बराबर -1 रख दिए, तो अब इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट आप खुद से हल करिए x बराबर 2 रख करके, इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न बता रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे, इसका दूसरा भाग है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ढेर सारे बच्चों के पास अभी किताब नहीं होगी, तो प्रश्न को लिखे रहेंगे तो आपको सुविधा होगी आगे। निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग तीन पार्ट था, तीनों को हल कर रहे थे, उसी तरह से यहां पर एक एक पार्ट के लिए तीन तीन भाग हल करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, उसके लिए तीन तीन बार मान रखना है, उसमें एक ही बार रख रहे थे, इसमें तीन तीन बार मान रखना है, ठीक है। तो पहला सॉरी, इसमें बहुपद आपको दिया गया होगा, पहला वाला दिया है, पहला py करके दिया है, यानी y के पद में आपको यह बहुपद दिया जा रहा है y स्क्वायर py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यह y के पद में आपको बहुपद दिया गया है, तब इसका हल जब करेंगे इसमें तीनों मान बारी बारी से रखेंगे। इस बहुपद में पहले रखेंगे पी बराबर 0 रखने पर, कितना रखेंगे पी बराबर 0 पहले रखेंगे, तो चलिए पी बराबर सॉरी थोड़ा सा रखने में गलती कर रहे हैं, यहां हम लोग लिखेंगे py इज इक्वल टू p0
पी वाई इक्वल टू पी जीरो रखने पर। यहाँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यानी किसका मान रखना है, वाई का मान रखना है। क्या रखेंगे, पी वाई इक्वल टू पी जीरो, तो वाई बराबर हो जाएगा जीरो। तो वाई के स्थान क्या रखेंगे, जीरो रखने पर, वाई बराबर जीरो रखने पर। चलिए वाई के स्थान जीरो रखते हैं, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन यानी क्या मिलेगा, वन आ गया। अभी जीरो रखा गया, अब जो है इसी तरह से पी वाई इक्वल टू पी वन रखना है, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, वन। वाई बराबर वन बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, चलिए बहुपद आपका कितना दिया गया है, वाई स्क्वायर है माइनस वाई है प्लस वन है। आगे देखिए तो वाई की वैल्यू यहां से रखना है कितना, वन, तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, चाहे वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो कर दीजिए, चाहे या प्लस माइनस है कट भी जाएगा, या कट गया तो बचा कितना, वन। अगर वाई की वैल्यू इसमें एक रखे तो कितना आ गया, एक रख, एक आया। और वाई की वैल्यू जब जीरो रखे थे तब भी मान कितना आया था, एक आया था। एक वाला रखे हैं तब भी एक आया है, और जीरो रखे हैं तब भी एक आया है। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसका तीसरा भाग हल करेंगे, पी वाई इक्वल टू पी टू, दो दिया गया है पी का मान, पी के साथ, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर दो रखने पर। कहाँ रखेंगे, बहुपद में, बहुपद में रख रहे हैं, बहुपद हमारा एक ही दिया गया था, उसी में तीन मान रख रहे हैं, तीन बार रख रहे हैं, तो बहुपद है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, चलिए दो रखते हैं, दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस वन, दो का स्क्वायर चार माइनस दो प्लस वन, चार धन एक पांच हो गया, यह पॉजिटिव है, यह धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, और यह भी धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, चार और एक पांच, पांच माइनस दो बराबर कितना, तीन। देखिए एक तो यह मान आया, दूसरा यह आया, और तीसरा यह आया। जब y बराबर जीरो रखे तो एक आया, y बराबर एक रखे तो एक आया, y बराबर दो रखे तो तीन आया। तो ठीक है, इसमें तीन मान आपको मिला, एक एक और तीन। तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो इसका और पार्ट जो दिया गया है खुद से हल कर सकते हैं। हम इसका सवाल, इसका बहुपद बता दे रहे हैं, उसे आप लोग नोट करेंगे, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो ठीक है नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए बच्चों इसका और पार्ट हल लिख लीजिए आप लोग। पहला सवाल बता दिए, पी जीरो पी वन पी टू यानी वाई के वाई बहुपद के रूप में दिया गया था, तो वाई का मान रख करके उसको निकालें। अब देखिए दूसरा इसमें पार्ट आपको टी के रूप में दिया जा रहा है, पी टी करके, पी टी बराबर बहुपद दिया है टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और तीसरा ये दूसरा भाग था, तीसरा इसका नोट कर लीजिए, तीसरे में दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पद में दिया है एक्स क्यूब,
और इसका चौथा भाग दिया गया है पी एक्स के रूप में, यह भी है। तो इसमें दिया है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, यह है आपका इस क्वेश्चन का भाग है। तो देखिए आप लोग कहेंगे कि सर इसको कैसे हो, तो y के पद में था इसको कैसे, तो भाई आपको हम बताए अभी थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, इसमें pt करके दिया गया है, तो जब इसमें मान रखेंगे तो लिखेंगे pt बराबर p0, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो t बराबर 0 रख देंगे, t बराबर 0 रखने पर तो जहां जहां आपका बहुपद t के पद में मिल रहा है वहां जो है 0 रखते जाइएगा। इसी तरह से दूसरा मान जब pt इक्वल टू p1 रखेंगे तो t का मान यहां से क्या मिलेगा, 1, तो t बराबर 1 रख दीजिएगा। जहां जहां t आपको दिख रहा है, जैसे अभी इसका पहला पार्ट हल करके दिखाए थे, तो जहां जहां t मिलेगा वहां पर 1 रख दीजिएगा। फिर pt इक्वल टू p2 रख दीजिएगा तो t बराबर 2, तो t का मान 2। बहुपद में t जहां आपको दिख रहा है 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, इस तरह से पूरा मान रख दीजिएगा। और यहां आपको दिख रहा है केवल एक ही पद दिया है, तो जैसे यहां pt ले रहे हैं तो यहीं आप px ले लीजिएगा, px इक्वल टू p0, px बराबर 0 रखने पर 0 का क्यूब 0 मिलेगा। दूसरा भाग px इक्वल टू p1 लीजिएगा तो x इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब 1 मिल जाएगा। तो फिर px इक्वल टू p2, px बराबर 2, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था और इसमें और कुछ प्रश्न अभी बचे हुए हैं, इसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.1 का एक प्रश्न था और इसका दो ही प्रश्न आज हो पाया है। इतना आप लोग नोट करिए, फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्ते।